गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। अर्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बचे हुए नियम। डिविजिबिलिटी रूल में के बचे हुए नियम में हमने पढ़ा था वन की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी, टू की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी, थ्री की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी, फोर की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ ली थी, फाइव की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया था, सिक्स की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया था। अब आज हमको देखना है सेवन की डिविजिबिलिटी, एट की डिविजिबिलिटी, नाइन की डिविजिबिलिटी और टेन की डिविजिबिलिटी, उसके बाद इलेवन की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेवन की डिविजिबिलिटी। सेवन की डिविजिबिलिटी जानने के लिए हमें रूल जानना होगा। सेवन की डिविजिबिलिटी के लिए रूल है इकाई के अंक का दो गुना, इकाई के अंक का दो गुना बचे हुए तथा बचे हुए तथा इकाई का अंक छोड़कर बची संख्या से माइनस करने पर, घटाने पर, घटाने पर यदि संख्या सेवन से विभाजित है तो पूरा नंबर सेवन से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि यदि इकाई के अंक का दो गुना किया जाए तथा इकाई का अंक छोड़कर बची संख्या से उस इकाई के अंक के दो गुने को घटा दिया जाए, यदि घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो वो सात से विभाजित होती है तो पूरा नंबर यानी नंबर हमारा जो है सेवन से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, 3, 4, 3 यानी इक्वल टू हमने लिया 3, 4, 3। हमने बताया कि इकाई के अंक का दो गुना, इकाई के अंक का दो गुना करेंगे तो 3 × 2 3 × 2 हो जाएगा 6, इकाई के अंक का दो गुना। अब बची हुई संख्या में से 3, 4 बचेंगी तो 34 में से इसको माइनस करेंगे, 34 में से 6 माइनस करेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 34 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 28, 28 बटे 7 कर देंगे तो 7 × 4 = 28 हमारा 4, यानी पूरा नंबर हमारा नंबर माइनस करने पर हमारा नंबर 7 से कट रहा है तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा, जो कि सभी लोग को पता भी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक n इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 875। इसको देखते हैं कि अगर ये नंबर दिया हुआ है तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं सेवन से। तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट इकाई के अंक का दो गुना करिए, 5 × 2 यानी 10 और बची हुई संख्या 87 है तो 87 माइनस 10 बटे 7
87 में से 10 माइनस होगा तो 77 आएगा, 77 7 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, यानी पूरा नंबर। अब हम कहेंगे कि यदि ये नंबर कट रहा है माइनस करने पर इकाई के अंक का दोगुना, तो कहेंगे कि सो 875 इज डिविजिबल बाय 7, 875 इज डिविजिबल बाय 7। वैसे ही डिवाइड करके देख लीजिए, 7 वन जा 7 बचा 1, 7 टू जा 14 बचा 3, तो 7 फाइव जा 35। तो हमने देखा 7 की डिविजिबिलिटी, अब आगे देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। अब आइए देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। इकाई दहाई सैकड़ा, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंकों इकाई इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। संख्या 8 से विभाजित होगी। लिखा है यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंकों, अंतिम तीन अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है, 8 से डिविजिबल है तो, 8 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जांपल n इक्वल टू ले दिया हमने 8 4 6 8 4 6 8 4 6 5। ये एग्जांपल ले लिया हमने 4096। तो हमने कहा कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंकों, अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या यदि यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। अंतिम तीन संख्या 096 को अगर 8 से विभाजित करेंगे तो 8 कम 8, 8 गुना 16, यानी अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो हम कहेंगे सो 4096 आर डिविजिबल बाय 8। हमारा 4096 आर डिविजिबल बाय इससे, यानी 4096 8 से विभाजित होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको दिया है n इक्वल टू 1536 1536 1536। अब इसमें तीन अंकों से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे, 536 536 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 8 6 जा 48
8 6 48 तो बचा 5 8 7 57 तो यानी पूरा कट गया तो हम कहेंगे सो 1536 यानी 1536 इज ए डिविजिबल बाई आर डिविजिबल बाई 8 डिविजिबल बाई 8। अब हम आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 डिविजिबिलिटी ऑफ 9 10 और 11। आइए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में रूल हमारा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 9 देन नंबर डिविजिबल बाई 9। जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा था तो यंग इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए 27 027। तो हमने कहा था कि जैसे 3 में पढ़ा था हमने कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। वैसे यहाँ पे है, सबको जोड़ेंगे सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर यानी डिजिट के नंबर का नंबर के डिजिट का सम सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर नंबर के डिजिट का सम हो जाएगा 2 7 0 2 प्लस 7 करेंगे तो उसको आएगा 9 और ये प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। वैसे भी दिख रहा होगा सबको कि 27 027 9 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल के लिए चलते हैं 729 को देखते हैं। यानी इक्वल टू अगर 729 दिया हुआ है तो पहले सबका सम 7 प्लस 2 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 9 और प्लस 9 ये हो जाएगा 18 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। यानी हम कहेंगे कि 729 सो 729 इज डिविजिबल बाई 9। ये रहा हमारा 9 की डिविजिबिलिटी। आगे चलते हैं 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। आइए आगे देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी में सीधे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखा हो 3 7 9 4 6 अपॉन 100 10 into 10 into 10। मान लीजिए ये लिखा हो तो लिखेंगे 3 7 9 4 6 अपॉन 1 2 3 0 तो 301 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 आ गया। अब यहाँ पे 10 की डिविजिबिलिटी हमको जानने के लिए देखेंगे कि अगर वन डिजिट पे पॉइंट वन नीचे केवल एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, अगर नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो हटेगा ऊपर 3 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 4 है अपॉन 10 करना है तो 3 4 अपॉन 10 को हम डिविजिबल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.4। क्या हो जाएगा हमारा 3.4। अगर नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं 4 3 7 9 6 8 अपॉन 1
दो तीन चार 10,000 है, तो यहाँ पे चार जीरो है, चार जीरो को हटाने के लिए ऊपर 1, 2, 3, 4 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 10 की डिविजिबिलिटी समाप्त होती है। आइए देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल। आइए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 के डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए हमें देखना होगा, नियम हमारा है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर एट ऑड प्लेस इक्वल टू आना चाहिए हमारा 0 और 11। मान लीजिए इसका मतलब है कि सम स्थान पर आए हुए नंबर का योग, सम स्थान पर आए हुए नंबर का योग माइनस विषम स्थान पर आए हुए नंबर का योग अगर हमारा 0 आता है, 11 आता है, तो पूरा नंबर हमारा 11 से विभाजित होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, इसमें सम पहले विषम देखेंगे, विषम स्थान ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4, 5, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, तो पहले और ये सम है, ये सम है, यानी ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर डिजिट है, ये ऑड नंबर डिजिट है। 2 को इस 2 से रिलेट नहीं करिएगा, ये प्लेस है, ये डिजिट के स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच स्थान है, जिसमें पहला स्थान होगा विषम संख्या विषम, दूसरा स्थान होगा सम, तो वैसे ही जोड़ देते हैं हम। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस यानी 2 और 2, इवन प्लेस पे जो नंबर आए हैं, इवन प्लेस आए हैं 2 और 2 जोड़ दिया। ऑड प्लेस पे कौन से नंबर हैं, ऑड प्लेस पे हमारे हैं 1, 3 और 1, 1, 3 और 1, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 4। बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर एट इवन प्लेस माइनस कर देंगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर एट ऑड प्लेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। क्या आना चाहिए, 0 और 11, तो 0 अगर आ रहा है तो लिखेंगे सो नंबर डिविजिबल बाई 11। एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ भी देखिए, ये ऑड है, तो ऑड ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, 1+3+3। ये देखिए ऑड नंबर पे होता है, ये ऑड नंबर पे होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इवन डिजिट यानी सम स्थान पर आए हुए संख्या 2 है 4 है 2 है 2 है 4 है 2 है, तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, 2, 8, ये हो जाएगा 3, 2, 3, 6, 2, 8, 8 माइनस 8 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। सो कहेंगे कि ये हमारा पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या 11 से विभाजित है। इसको ऑड इवन ना जान के ये भी कर सकते हैं, अगर ऑड इवन में समस्या हो किसी को तो वो ये कर सकते हैं कि सीधे एक अंक को जोड़ दो। तो पहले एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, फिर जो अंक बच गए उनको जोड़ दो, 2, 4, 2 माइनस 2, 4 और 2, तो हो जाएगा हमारा 6, 2, 8 माइनस 6, 2, 8, तो 8 में से 8 गया 0। अगर ये 0 आ रहा है तो हमारा कहेंगे कि नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या करना है, एक अंक को छोड़कर एक अंक जोड़ लेना है, फिर जो बचे हुए अंक हैं
उनको भी जोड़ के उसमें से माइनस कर देना है। अगर 0 और 11 आएगा तो हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो अतः डिविजिबिलिटी रूल समाप्त होती है। डिविजिबिलिटी रूल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगर किसी को समस्या हो तो वो कमेंट करके बताएं, हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसको बता सकते हैं। धन्यवाद।